नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो इसी को लेकर हम बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो क्या यह तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष, जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो सुख की सरकार का नारा तो दिया, पर न थमी महंगाई न जनता पर बोझ घटा। पुरानी सरकार के 600 से ज़्यादा सरकारी संस्थानों को डी नोटिफाई करने पर भी कई जगह लोग एतराज जता रहे हैं। सत्ता में आते ही राज्य सरकार ने वैट बढ़ाकर डीजल के रेट बढ़ा दिए। इसका आम जनता पर बोझ पड़ा। जिस मनरेगा को कांग्रेस यूपीए सरकार की योजना बताकर इतराती रही, उसमें भी गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा और लोग विरोध के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं कांग्रेस सरकार को अपनी पहली गारंटी पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस देने में अभी वक्त लगेगा, जबकि इसे सरकार में आते ही तत्काल लागू करने की बात की गई थी। इसके अतिरिक्त नई सरकार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 11 दिसंबर को शपथ ली थी। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करेंगे। पहले तो कैबिनेट विस्तार ही लंबा खींचता गया, उसके बाद कैबिनेट बनी तो फिर 13 जनवरी को कैबिनेट की पहली बैठक हुई, उसमें ओपीएस को तत्काल लागू करने की मंजूरी दे दी। इसके बावजूद 1 फरवरी को मिलने वाली पेंशन पुराने ढर्रे पर ही दी जा रही है। नए सेवानिवृत्तों को अभी ओपीएस का लाभ लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ओपीएस के लिए बजट का प्रबंध सरकार को डीजल के रेट बढ़ाकर करना पड़ा, यानी 3% वैट बढ़ा दिया गया। इसके अतिरिक्त इसके लिए तर्क दिया गया कि पिछली सरकार ने 7% घटाया था, तो अब इसे 3% बढ़ाया जाएगा। डीजल के रेट बाहरी राज्यों से फिर भी कम है। प्रियंका की घोषणा के अनुसार 1,00,000 लोगों को रोजगार देने का कुछ अता पता नहीं है। हालांकि इसके लिए पहली कैबिनेट में मंत्रिमंडल उप समिति बनाई गई है, इस संबंध में 1 महीने में रिपोर्ट मांगी गई है, मगर उप समिति की 1 भी बैठक नहीं हो पाई है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक सीएम सुक्खू बहुत कम दिन ही प्रदेश में रह पाए। कभी उन्हें दिल्ली जाना पड़ा तो कभी वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कुल मिलाकर सरकार के कार्यकाल के करीब आधे दिनों तक वह हिमाचल या शिमला से बाहर रहे। तो यही है बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुख की सरकार का नारा बेशक दिया है, पर जनता की उम्मीदों पर सरकार अभी खरा नहीं उतर पाई है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।